पंजाब दे विच वजीफा राशि ते वड्डा घोटाला सामने आउण तों बाद दलित भाईचारा सड़कां ते उतर आया है ते अपने हक्कां ते पए डाके दे खिलाफ आवाज चुकदे होए कैप्टन दे मंत्री धर्मसोत दा पुतला फूक के प्रदर्शन किया जा रहा है ते अपने अपने दे पई दा हिसाब मांगदे होए भ्रष्टाचार करन वाले साधु सिंह नूं ओहदे तों हटाउण दी मंग भी की जा रही है। दलित विद्यार्थियों के हकों से डाका मारते हुए पंजाब चो एक कथित 64 करोड़ के वजीफा घोटाले के घेरे च आए हैं कैप्टन के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। करोड़ों का घोटाला सामने आते ही सियासत भाकी, जिथे विरोधियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए साधु नहीं चोर है धर्मसोत का नारा दिता। उते ही वजीफा घोटाले का मामला विधानसभा भी गूंजा, उते ही सूबे के वख-वख शहरां दे विच भी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गुस्सा पकिया होया ते उन्हां नूं ओहदे तों लांबे करन दी मंग जोर फड़दी जा रही है। हायर एजुकेशन लई जिहड़े वजीफे सरकार ने भेजे सीगे केंद्र सरकार ने, वह मंत्री साहब ने इधर उधर करके बहुत एक वड्डा जुलम कमाया ऐसी बच्चों से, जिन्हां नूं अगे असी साडा मेन मकसद की है इस टाइम, असी बस्तियां दे विच जाके अपने लोगों को समझा रहे हैं भी पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई तुहानू पता महंगी हो चुकी है, जब पढ़ाई महंगी हो चुकी है उस तो इदा दे मंत्री जब साडे लोगों के साडे बच्चों के वजीफे खा जाएंगे तो मैं सोचना एक बहुत ही मंदभागी घटना है। पंजाब च वजीफा राशि च इन्ना वड्डा घोटाला होया जिसका 15 पन्नियां की पड़तालिया रिपोर्ट भी खुलासा हो चुके, पर सरकार अपने मंत्री नूं बचाउण की राह तलाश रही है। हाले तक कोई कार्रवाई ना किए जाना भी कई तरह के सवाल खड़े कर दे। खैर यह कोई पहला मामला नहीं है जदों कैप्टन सरकार के किसी मंत्री से अजिहे इल्जाम लगे हों। इस तो पहला कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा भी नकली बीज घोटाले के मामले के घिर चुके हैं, पर उन्होंने भी सरकार के वालों भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैर इस बार सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं ये वेखण वाली गल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।